हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस मैथ फ्रॉम द बिगनिंग, जहां मैं आपको पढ़ाता ही नहीं हूं, बल्कि बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं। आज आपका लाभ और हानि का भाग चार में पढ़ाने जा रहा हूं, जहां पे अब आपको सिखाया जाएगा बट्टा, डिस्काउंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लाभ और हानि के बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और उससे अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने, जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डिस्काउंट बताने से पहले इसका बेसिक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको आप ध्यान दे लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट होता क्या है? मान लीजिए कोई एक सामान है पार्ले, ठीक है ना, पार्ले जी का एमआरपी, एमआरपी भी बोलते हैं, एमपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एमआरपी मतलब हो गया मार्क रिटेल प्राइस और एमपी मतलब हो गया मार्क प्राइस, दोनों तो एक ही चीज है, मार्क प्राइस। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य वो होता है जो कॉस्ट प्राइस के बाद उस पर लगाया जाता है, वो ओरिजिनल मूल्य नहीं होता है। इसलिए कभी भी जो भी सामान होता है, वस्तु होता है, उस पर डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो खरीद की लागत है, सीपी, जो विक्रय मूल्य है, उसके बाद उस पर अंकित मूल्य लगाया गया है, इसलिए उस पर डिस्काउंट देने के बाद भी फायदा होता है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूं आपसे, मान लीजिए पार्ले जी का बंडल है पूरा, और ये बंडल का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए है। ठीक है ना, 100 रुपए। आपने कहा कि, दुकानदार ने कहा कि 100 रुपए पे मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, लेकिन आप आए, आपने कहा कि मैं आपके बगल में ही रहता हूं, आपके मोहल्ले में थोड़ी सी जान पहचान है हमारी, थोड़ा और डिस्काउंट कर दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको 30% का डिस्काउंट देता हूं। कितना? 30% का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट। ठीक है, 30% का डिस्काउंट देता हूं। छूट का मतलब क्या होता है? आपके पास जो वस्तु है उस पे अंकित मूल्य 100 रुपए है, और छूट 100 रुपए पे 30 रुपए की छूट दे दी गई है ना, तो मतलब 70% हम निकालेंगे और कितना आएगा? 70 रुपए। तो उसने आपको वस्तु बेची, ठीक है ना, आपने खरीदा और इसने बेचा, तो मार्क प्राइस जो है उसका रिलेशन होता है सेलिंग प्राइस से, विक्रय मूल्य से। किससे होता है? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कितना है आपका? 70 हो गया। तो मार्क प्राइस जो था आपका, मार्क प्राइस जो है 100 रुपए, मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए में जो 100 है उसके बाद जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, वस्तु कितने पे बिकी है। और मार्क प्राइस कितना था? 100 था, इनटू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने बोला 30% है, तो यहाँ पे 70 हो गया बटे 100, 100 से 100 कट गया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि बहुत कम यूज होगा क्योंकि हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको 10%, 20%, 30%, 5%, 25% डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे डिस्काउंट यहां से। अगर ऐसे दिया गया तो आप निकाल लेंगे और उसका सेलिंग प्राइस आपको पता चल जाएगा। मैंने परसेंटेज के अपने पहले लेक्चर में बताया था आपको, रेशियो कंसेप्ट बताया था। कहने का मतलब ये है कि अगर 14.2/7% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है ना, और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब आपको हो जाएगी दिक्कत। अगर 10% था, 20% था, तब तो आप आसानी से निकाल लेते, लेकिन अब यहां पे आपको हो जाएगी दिक्कत। क्यों? क्योंकि अब आपको याद नहीं है। मैंने कहा था इसको आप याद कर लीजिएगा, ये होता है 1/7। इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, जब हम डिस्काउंट, एमआरपी और डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं,
यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है तो नीचे किस पे डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया? 7 हो गया, और 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, और उसके बाद आपने बेच दिया, तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो 7 में से 1 घटा, तो बेचा कितने? 6 रुपए में आपने बेच दिया। ऐसे क्वेश्चन अगर कहता है 12.5% या 1/2% का डिस्काउंट दे दिया गया है ना, ये बेसिक तरीका है, आप इसको जान लीजिए। लेकिन क्वेश्चन करने पर ये तरीका आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। इतना परसेंट या इतना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, 1/8 का मतलब है नीचे वाला आपका हो गया मार्क प्राइस, क्योंकि जब डिस्काउंट की बात कर रहा है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 1 का। तो ये आपका 7 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, और मैंने कहा 12.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, लाभ हो रहा है वस्तु को बेचने पर 12.5% का लाभ हो रहा है। तो आप इसको कहोगे, हम इसको लिख सकते हैं 1/8, ये 8 हो गया, और 8 में से 1 का लाभ हो रहा है, मतलब 8 रुपए का था और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेचा कितने पे? 9 रुपए पे। तो ये आपका सीपी होता है और ये आपका एसपी होता है। ठीक है ना, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे 1 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, तो ये जब हम लाभ और हानि की बात करते हैं तब यहां पर होता है। अगर हानि होता तो 1 रुपए घटा देते और ये 7 रुपए हो जाता। ठीक है ना, तो लाभ और हानि जब बात होती है तो हम सीपी पे काम करते हैं। क्रय मूल्य ही हमारा बेस होता है। क्रय मूल्य कभी बदलता नहीं है किसी वस्तु का। अगर आप कोई चीज खरीद के ले आए हैं, अगर आपने एक मोबाइल खरीदा जो 12,000 का था, कितने का था? 12,000 का था, तो आपके लिए क्रय मूल्य हमेशा 12,000 ही रहेगा, भले उसको आपने बाद में बेच दिया 20% के डिस्काउंट पे। तो आपने जिसको बेचा उसके लिए वो फिर से क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, और आपने बेचा तो आपके लिए वो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका डिस्काउंट है, अच्छा एक चीज और बता दूं, डिस्काउंट है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, इनके बीच में ऐसे डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हमें पता है डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस है ना, तो मार्क प्राइस और एसपी में तो संबंध आप जान गए हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं मार्क प्राइस 100 - D/100 = SP। ठीक है, अगर मुझे सीपी यहां पे एसपी है, इन दोनों के बीच में तो संबंध आप जान चुके हैं, इसके बीच में संबंध कैसे होगा? जब मार्क प्राइस और एसपी के बीच में संबंध होगा तो किसकी वजह से होगा? डिस्काउंट की वजह से होगा। जब विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस के बीच में संबंध होगा तो या तो लाभ प्रतिशत की वजह से होगा या तो लाभ प्रतिशत हानि की वजह से होगा। तो यहाँ पे क्या, अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब है 100 + LP प्रॉफिट अपॉन 100, और अगर हानि हो रहा है तो सीपी क्या हो जाए? सीपी 100 - L/100। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे एसपी बराबर हम लिख सकते हैं सीपी 100, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लगाइएगा और हानि हो रहा है तो माइनस लगाइएगा, अपॉन 100। यहां से हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं और 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पे इस मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस अपॉन सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी का जो वैल्यू होगा वो ऊपर रहेगा 100 + P और 100 - D। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, आपको ये याद नहीं करना है, आपको याद केवल रेशियो कंसेप्ट करना है, जो मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के पहले लेक्चर में बताया था। वीडियो के ऊपर आई बटन पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट डिस्काउंट का।
एमआरपी 100 रुपए है, 30 रुपए का 30% का डिस्काउंट है, तो कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, ठीक है। और जब हम एमआरपी होता है और किसी चीज को बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। चलिए ज्यादा समय नहीं आपका लूंगा और इसके आगे मैं बताता हूं क्रमागत छूट के बारे में, सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। चलिए आइए मैं अब आपको बताता हूं सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमागत छूट, है ना। मतलब किसी, आप जब मॉल में जाते होंगे तो लिखा होता होगा 10% प्लस 20% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है क्या? अगर आप किसी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, 100 रुपए है, 100 रुपए है किसी चीज का, उस पर बोला गया 10% का डिस्काउंट, तो आपको कितने में मिला, 70 रुपए में। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए 10% प्लस 20% का डिस्काउंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 100 रुपए था, 90% 10% का डिस्काउंट मतलब 90, उसके बाद 20% का डिस्काउंट मतलब, जब डिस्काउंट मतलब घट जाएगा 80, 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 9 8 है 72। अब देखिए आपको सामान कितने में मिला, 72 रुपए में, और वही सामान पहले कितने में मिला था, जब डायरेक्ट 30% का था तो 70 रुपए में, और यहां भी कितना मिला, 72 रुपए में। और सच में कस्टमर जब जाता है देखता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ब्रांड है, उसको अपना अब सीजन आउट हो रहा है तो उसको सेल लगाते हैं ताकि सामान बिक जाए, तो क्या करते हैं डायरेक्ट 50% का अगर उनको देना है डिस्काउंट, वो डायरेक्ट 50% लगाएंगे, उनको होगा थोड़ा सा घाटा। लेकिन अगर वो लगाते हैं 20% प्लस 20% प्लस 10% डिस्काउंट, तो उनको क्या होगा, उनको होगा फायदा। और हमें, हम जब देखते हैं कि 3 डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें मिलती है खुशी, और हम खुशी खुशी जाते हैं, अपने पैसे बर्बाद करके चले जाते हैं, है ना। तो ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है ना। चलिए, हाँ मैं आपको बता रहा था क्रमागत डिस्काउंट क्या होता है। तो क्रमागत का मतलब है, मैंने बताया कि पहले 10% का डिस्काउंट हुआ, फिर 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है, नेट डिस्काउंट कितना होगा, नेट डिस्काउंट मतलब कुल छूट कितना होगा। तो इसका एक हाँ मैं भी आपको अभी अपने रेशियो कंसेप्ट से बताता हूं, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, जब डिस्काउंट है ना तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस 10 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है ना। जब 2% दिया होता है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, ये ट्रिक लगाते हैं, तो यहां से हो गया माइनस 30 और ये हो गया आपका 0 0 कट गया और 2 1 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया माइनस का 28% का डिस्काउंट लगेगा आपका। कितने परसेंट का डिस्काउंट लगेगा, 28% का। अगर वो डायरेक्ट देता तो, डायरेक्ट देता तो 30% का डिस्काउंट मतलब आपका ज्यादा फायदा होता और कंपनी का कम फायदा होता, लेकिन जब वो 10% 20% का डिस्काउंट देगा तो आपका कम फायदा होगा और कंपनी का ज्यादा फायदा होगा, है ना। ये बातें समझ में आ गई हैं, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, और कोई कंसेप्ट होगा तो हम उसको वहीं भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आइए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10% और 15% के दो क्रमिक छूटों की एकल समतुल्य छूट क्या है। आपको पता है ऐसे सिंपल, ऐसे एक लाइन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, है ना, तो पता होना चाहिए आपको। मैं आपको दो तरीके बताता हूं छूट क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, 10% है तो मतलब छूट है ना, तो 10% माइनस 15% और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 10 × 15/100 ये कितना हो गया, माइनस का 25 और 0 15 × 150 प्लस का 1.5, है ना, जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 23.5%। ये डिस्काउंट है, छूट है, इसलिए माइनस में है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको प्लस रखें, इसको प्लस रखें, इसको माइनस कर दें, लेकिन तरीका यही सही है कि जब वो छूट दे रहा है तो उसको आप माइनस में लिखें और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला 10% का छूट है और दूसरा
15% का छूट है। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, और 15% भी लिख सकते हैं 5 × 15 = 20, 3/20, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं आपको बता चुका हूं। तो नीचे वाला क्या होता है, मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस हो गया और इधर एसपी आएगा आपका, ठीक है। तो 10 रुपए मार्क प्राइस है और 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो आपने कितने में बेचा, 9 रुपए में। 20 रुपए मार्क प्राइस है और 3 आपका डिस्काउंट हो गया, तो कितने में बेचा, 17 रुपए में। बोल रहा है एकल समतुल्य छूट क्या है, बताना है आपको, ठीक है। तो इनका इनका गुणा कर लीजिए और इनका इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 20 × 200 और ये 9 × 63, ठीक है, और 9 × 15, ठीक है, कितना हो गया, 153। आपने दोनों को 200 रुपए में खरीदा और जब डिस्काउंट देने के बाद बेचा तो 153 रुपए में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने। तो आपने कहा कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 10 में से 3 गया 7 और 9 से 4 गया 5 गया 4, 47 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने। तो किस पर दिया है, जो आपका मार्क प्राइस होगा, 200 रुपए × 100, कितना हो गया, ये और ये कट गया, 2 से भाग कर दिया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ठीक है। देखिए आपका आंसर सेम आया है, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये वाला या ये वाला, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लगाएंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन और आसानी से होगा, ठीक है ना। ये हो गया, ऐसे ही बोल रहा है 20% और 30% का एकल समतुल्य छूट ज्ञात करिए। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 30% का मतलब क्या होता है, 30% मतलब 30/100, 0 से 0 कट गया, मतलब 3/10 होता है, ठीक है। तो 5 क्या है आपका, एमपी हो गया 5, ठीक है, और एसपी कितना हो गया, 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 4 हो गया, वैसे ही 10 रुपए एमपी है, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 7 रुपए हो गया, ये हो गया आपका 50 रुपए और ये हो गया आपका 28 रुपए। डिस्काउंट कितने का हो गया आपका, 22 रुपए का डिस्काउंट हो गया आपका, और 50 वो है आपका एमपी टोटल इंटू 100, ये कट गया 2 बार में, तो आपका 44% एकल समतुल्य छूट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आता है आपका तीन क्रमागत छूटों का एकल समतुल्य छूट ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब देखिए आपको दिक्कत क्या हो गया, 11 से 1/9 आ गया, तो यहाँ पे करने में थोड़ी सी दिक्कत फेस करेंगे। हम बताते हैं 10% को आप लिख सकते हैं 1/10, 11 से 1/9 होता है 1/9 के बराबर, मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। मेरा प्रॉफिट एंड परसेंटेज का पहला लेक्चर अटेंड करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है 1/5 होता है। उन्हीं सारी चीजों को दोबारा यहाँ बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो बच्चे शुरू से मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो यहां से आपका एमपी हो गया 10 रुपए और एसपी हो गया 9 रुपए, यहां से आपका हो गया 9 रुपए और यहां से हो गया आपका 8 रुपए, यहां से हो गया आपका 5 और यहां से हो गया 4। आपको क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर और इधर में जो भी कट रहा हो आप काट सकते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 9 और 9 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 25 हो गया आपका, और इधर 4 × 16 हो गया, ठीक है। तो कितने रुपए का बीच में डिस्काउंट आ रहा है, 9 का, ठीक है, 9 का डिस्काउंट है, किस पे है, 25 पे है, और परसेंटेज लगाने के लिए 100, 25 × 100, 9 × 36%, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, चलिए आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी का मूल्य, अंकित मूल्य 200 रुपए है, उसे 2 डिस्काउंट के बाद 96 रुपए में बेचा गया, यदि पहला 20% डिस्काउंट है तो दूसरा डिस्काउंट ज्ञात करें, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, क्या बताया था एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, एमपी
100 माइनस डी टी वन अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डी टू अपॉन 100 इक्वल टू एफ पी। यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एम पी कितना दे रखा है, 200 रुपए इंटू एक डिस्काउंट है 20% का, तो 20 घटा देंगे 80%, 80/100। उसके बाद यहां पे हमें नहीं पता तो 100 माइनस एक्स लिख देते हैं इक्वल टू 96 रुपए में बेच दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0000 कट गया। ठीक है, और कुछ करना है, 8 × 16 = 160 हो गया इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये तो होगा, यहां से जीरो काट लीजिए और यहां पे हो गया 96। ठीक है, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 960, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया मैंने और ये क्या है इंटू 16 है। ठीक है ना, तो आप यहां से देखिए क्या करते हैं, 16×96 होता है 100 माइनस एक्स इक्वल टू 6 है ना और 0, तो x x को उधर ले जाएंगे और 60 को इधर लाएंगे तो x बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है ना, 40%। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर हम बात करें हाँ ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहां पे आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा कौन सा, जैसा कि मैं रेशियो वाला आपको बताता हूं। ठीक है ना, 1% ज्ञात है, एक वस्तु का माल प्राइस जो अंकित मूल्य है कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर लिखा गया है, कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर लिखा गया है, फिर उसे 25% डिस्काउंट पर बेचा गया, तो बताइए उसे कुल कितना परसेंट का प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। चलिए देखते हैं, सीपी से 20% बढ़ाकर लिखा गया है, तो मान लेते हैं सीपी कितना है, सीपी 100 है, तो मार्क प्राइस को कितना लिखा गया होगा 20% बढ़ाकर 120 रुपए, फिर उसे 25% डिस्काउंट पर बेचा गया, डिस्काउंट आप किस पे दोगे, 120 पे, तो 120 का 25% मतलब 75/100, 25 × 75 = 2500 और 4×12 ठीक है, 3×3=9, 90 रुपए में बेचा गया, ये आपका एसपी आ गया। ठीक है, तो बताइए उसे कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसने खरीदा कितने पे था, 100 रुपए पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया 10 रुपए का, और परसेंटेज लगाने के लिए 10/CP कितना है 100 और फिर 100 परसेंटेज निकाल, 100 से 100 कट गया तो 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया बच्चे को। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आंसर भी बिल्कुल इजी है। चलिए आगे अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक घड़ी का मार्क प्राइस 2000 था, उसे 15%, 12% व 12.5% की 3 श्रमिक छूट पर बेचा गया, घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है ना, घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए, तो पहला डिस्काउंट है आपका 15% का, दूसरा है 12% का और तीसरा है 12.5% का। ठीक है, यहां से 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, 12% को लिख सकते हैं 12.5% को लिख सकते हैं 1/8 और इसको हम लिख सकते हैं 12/100, 4×12 और 4×8 वजह 2 3/25। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, तो हमारा ये 20 एमआरपी हो गया और डिस्काउंट दे रहे हैं तो 17 रुपए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, 25 रुपए एमआरपी हो गया डिस्काउंट पे और 3 घट गया तो 22 रुपए एसपी हो गया, 8 12.5% 1/8 के बराबर होता है, बताया 8 आपका एमआरपी हो गया और 7 रुपए एसपी हो गया। बात समझ में आ गया, चलिए अपने तरीके पे आ जाते हैं, यहां से कुछ कट रहा हो तो आप काट लो, 2×2 = 20। ठीक है, और कुछ कट रहा है, और कुछ तो नहीं कट रहा। ठीक है ना, तो 25×250
और 25 चौक 100 और 25 अठे 200, 200 गुणे 10 कितना हो गया, ये 2000 हो गया। ठीक है, 11 सते 77 गुणे 17, ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लो 77 गुणे 10 प्लस 7, ठीक है, ये हो गया 77 दहम 770 और प्लस 7 सते 49 9 हासिल लगा 4, 7 सते 49 और 4 53, ठीक है, जोड़ लीजिए आप इनको तो 9 हो गया, 7 3 10 का 0 हो गया और 7 1 8 8 5 13 हो गया, ये आपका आ गया एसपी, ठीक है ना। तो क्या क्या रहा है, एमआरपी कितना था, 2000 था, ठीक है, एमआरपी तो 2000 आ गया, ठीक है ना, और जब बेचा तो घड़ी का मूल्य क्या था, घड़ी का मूल्य 1309 रुपए था, ठीक है, आ गया ना, घड़ी का मूल्य ही तो आया है। किसी वस्तु को एमआरपी से 20% डिस्काउंट पर बेचने के बाद, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी वस्तु को एमपी से 20% डिस्काउंट पर बेचने के बाद भी 25% का लाभ होता है तो बताइए उसका मार्क प्राइस सीपी से कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, एमपी से 20% डिस्काउंट पर बेचने के बाद भी 25% का लाभ होता है, किसी वस्तु को मार्क प्राइस से 20% पर बेच दिया तो भी 25% का, तो सीपी, सीपी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मान लीजिए सीपी कितना है 100 रुपए, ठीक है ना, और मार्क प्राइस से 20% बेचने, हाँ अब सीपी कितना है, ये मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस से 20% डिस्काउंट पर बेचने के बाद इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया 80 रुपए, और ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, हमने यही पढ़ाया है और आप यही जानते हैं। ठीक है, अब कह रहा है जब आपने बेच दिया, जब आपका 80 रुपए में बिक गया तो क्या हुआ था, 25% का लाभ हुआ था बिकने पर, मतलब 125% जो है वो 80 के बराबर है, बिल्कुल, जब बेच दिया, बेचने पे जो लाभ हुआ 80 रुपए में जब बिका तो आपका 25% का लाभ हुआ, तो 125 जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं तो 125 80 रुपए के बराबर है, और यहां से 1% कितना हो जाएगा 80/125 गुणे, यहां से 100% निकाल लेंगे और ये 100% ही क्या होता है हमारा सीपी होता है, तो 80 गुणे 100/125, 25 चौक 100, 25 पच्चीस 125 और 5 से ये कट गया, 16 पच्चीस 80, 16 चौक 64 रुपए आपका सीपी आ गया, एसपी 80 रुपए है, 64 सीपी रुपए है, सीपी 64 रुपए है, तो उसका मार्क प्राइस, मार्क प्राइस सीपी से कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा गया है, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपए, तो मार्क प्राइस सीपी से कितने रुपए बढ़ाकर लिखा गया है, मार्क प्राइस जो है सीपी से कितने रुपए बढ़ाकर लिखा गया है, मैंने कहा 36 रुपए बढ़ाकर लिखा गया है, 36 रुपए बढ़ाकर लिखा गया है, किस पे बढ़ा के लिखा गया है, मार्क प्राइस पे बढ़ा के लिखा गया है, बटे 100, इसको आप सॉल्व करेंगे, मेरी बात समझ में आई, किस पे बढ़ा के लिखा गया, जिस पे बढ़ाया गया है वो नीचे रहेगा, कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा, कितना बढ़ाया गया है 36 बढ़ाया गया है, एफपी में मत जोड़ दीजिएगा, बोल रहे हैं ना मार्क प्राइस से कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा गया है, तो अब आप इसको काट लेंगे, ठीक है, काट लीजिए, 4 9 36 और 4 4 से निकटेगा, 4 1 4 4 6 24, ठीक है, और कटेगा क्या, हाँ 4 4 16 और ये 25, ठीक है, अब नहीं कटेगा, है ना, अब नहीं कटेगा, तो अब 2509 का गुणा 25/200 और 225/4, अब भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 5 20 और 2 2 बचा, ठीक है, और 5 फिर से 5 20 और 6 6 24, 24 1/4%, ठीक है, इतने परसेंट आपका बढ़ाकर
लिखा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझ में ना आए तो एक बार रिमाइंड करिएगा, मैंने बताया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार 800 रुपए मार्क प्राइस वाली कुर्सी 10% और 15% के दो क्रमिक छूट पर खरीदता है, फिर उसकी धुलाई पर 2800 रुपए खर्च करता है, फिर उसे 800 रुपए में बेचता है, कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते मैं कहने भूल जाता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के लिए, मैथ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा 800 रुपए वाली कुर्सी, 800 रुपए की कोई कुर्सी है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट मतलब 90%, फिर 15% का डिस्काउंट मतलब 85% पर छूट पर खरीदता है। मैं बेच रहा हूं, इतनी दो डिस्काउंट पे बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हैं, मैं बेचूंगा तो आप खरीदेंगे, तो आप खरीद रहे हैं, ठीक है ना। इसको बेचने पे क्या निकलता है? एसपी निकलता है। वो एसपी आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस होता है ना, सीपी होता है, क्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 × 10 = 0 और 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35 और कुछ कटेगा, ये और ये कट गया, 2 × 4 = 8, ठीक है, 17 × 7 = 68 × 9 972 और 954 612 रुपए आपका क्या आ गया, खरीदता है, ये आपका आ गया 612। फिर उसकी धुलाई पर, अब ये आपने खरीद लिया, कितने में खरीदा? 612 रुपए में। फिर आपने उसकी धुलाई कराई जिसपे 28 रुपए खर्च किए, तो आपका कितना हो गया टोटल? 8 × 10 = 0, 2, 3, 4 और 6, 640 रुपए। अब आपका, आपके लिए टोटल खर्चा क्या हो गया? 640 रुपए, मतलब 640 रुपए सीपी हो गया आपके लिए। फिर उसे 800 रुपए में बेचता है। अब आपने इसको कितने में बेचा? 800 रुपए में। जब आपने इसको 800 रुपए में बेचा, है ना, तो आपका फायदा कितना हो गया, लाभ कितना हो गया यहाँ पे? 160 रुपए का। तो वो पूछता है कितने परसेंट का लाभ हुआ? 160 रुपए का लाभ हो गया। किस पे हुआ है? जिस पे आप बेच रहे हैं। कौन से दाम से बेच रहे हैं? 640 रुपए गुणे 100, ठीक है, ये और ये कट गया, यहां से आपका क्या हो जाएगा? 16 × 16 = 64, ये 10 हो गया और ये 100 हो गया, तो कटेगा 25% हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। बैकग्राउंड में एक डॉगी की आवाज आ रही होगी, वो रोज भौंकता है, यही समय है उसका, और मैं रात में ही वीडियो शूट करता हूँ क्योंकि दिन में मुझे अपने ऑफिस जाना होता है ना, तो मैं रात में आपके लिए टाइम निकालता हूँ और रात में 2-3 बजे तक वर्क करता हूँ, ठीक है। एक दुकानदार 30 रुपए मार्क प्राइस वाले एक बैडमिंटन के रॉकेट को 15% डिस्काउंट, रॉकेट जिससे खेलते हैं वो रॉकेट हो गया, और प्रत्येक रॉकेट के साथ 1.5 रुपए की चिड़िया जो जिसको मारते हैं हम लोग, फ्री देता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है, तो रॉकेट का सीपी क्या होगा? 30 रुपए का एमआरपी है, उस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है ना, मतलब 85/100, 0 से 0 कट गया और 5 × 15 = 5 + 8 = 24, ठीक है, और 10 से भाग करेंगे तो इतना रुपया हो गया, इतना रुपए डिस्काउंट देता है और प्रत्येक रॉकेट के साथ 1.5 रुपए की चिड़िया फ्री देता है, तो जब वो फ्री दे रहा है तो वो इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि वो भी अपनी तरफ से दे रहा है, तो ये कितना हो गया आपका? 24 रुपए हो गया। बैकग्राउंड में डॉगी भोग रहा है, मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे, लेकिन प्लीज आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। 24 रुपए आपका हो गया, ठीक है ना, फिर भी 20% का लाभ होता है। अब 20% का लाभ हो रहा है, 24 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120% जो है वो 24 के बराबर है, तो यहाँ से 1% किसके बराबर होगा? 24/120। यहाँ से 100% किसके बराबर होगा? 24/120 × 100, ठीक है। अब यहाँ से आप काट लेंगे तो 12 × 12 और 12 × 24, 10 से 10 कट गया,
दस दुनी 20, सीपी आपका कितना है 20 रुपए है और आपने बेचा कितने पे 24 रुपए पे, तो लाभ तो रॉकेट का सीपी कितना है, बस यही पूछ ही रहा है, रॉकेट का सीपी कितना है ना, यही पूछ रहा है आपसे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा मेरे क्वेश्चन को देखकर, और अच्छे क्वेश्चन कर आ रहा हूं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, तो प्लीज लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। ये देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचें, मतलब पहले वो 69 रुपए में बिक रहा था लेकिन अगर 78 रुपए में बेचे तो लाभ दोगुना होता है, जो लाभ 69 रुपए में बेचने पे जो लाभ हो रहा था अब 78 रुपए में बेचने से लाभ दोगुना होता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा, समझिएगा। मान लीजिए पहले लाभ जब 69 रुपए में बेच रहे, मान लीजिए 60 रुपए का सामान था और 69 रुपए में बेच रहे हैं तो 9 रुपए का लाभ हो गया, और जब आप 78 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो गया, मतलब कितने का लाभ हो गया 69 और दोगुना मतलब 18 रुपए का लाभ हो गया, है ना। मतलब हमें अब यही तो नहीं पता है, वस्तु का सीपी तो नहीं पता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, वस्तु का सीपी हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं सीपी कितना है, माना सीपी एक्स है, ठीक है ना, ठीक है। अब 69 रुपए में बेचता है, पहला एसपी 69 रुपए और दूसरा एसपी 78 रुपए में बेचता है, तो लाभ होता है, ठीक है ना, लाभ यहां पे भी होता है, लाभ यहां पे भी होता है, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 69 रुपए, सीपी कितना है एक्स, एसपी कितना है 78 रुपए और सीपी कितना है एक्स। अच्छा जब इतने मतलब लाभ क्या हो रहा है, लाभ दोगुना होता है कब, जब 78 रुपए में बेचता है, जब 69 रुपए में बेचता है तो जो लाभ होता है 78 रुपए में बेचने पे लाभ दोगुना होता है, मतलब ये लाभ दोगुना है, और बराबर करने के लिए हम यहां पे अगर दो गुणा कर दें, है ना, तो ये आपका बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले 10 रुपए लाभ हो रहा था अब 20 रुपए है, तो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को बेचने पे पहले लाभ 10 रुपए था, अब 20 रुपए, अब 20 रुपए मतलब दोगुना है, तो बराबर करने के लिए हम 2 का गुणा इधर करेंगे ना, ये तो दोगुना पहले से ही है, अब यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 × 14 140 में 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 136 माइनस 2x बराबर 78 माइनस एक्स, यहां से इधर ले जाएंगे, ये 2x को इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस एक्स बराबर, और इसको इधर लाएंगे 136 माइनस 78, 16 में से 8 गया 8 और 12 में से 7 गया 5, ठीक है, बराबर 2x में से x गया x, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 58 रुपए, 9 × 18 सॉरी ये 8 हो जाएगा ना, और यहां पे भी 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 8 में से 8 गया 0 और 13 में से 7 गया 4, ठीक है, कितना हो गया आपका 40 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीनी की रेट में 15% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 544 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का नया रेट और प्रारंभिक रेट क्या है। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन परसेंटेज में कराया हुआ है, आप इसको करिएगा, कल मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर में रजाई में दबा के पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है, और कल मिलते हैं इसी के साथ, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके ग्रुप डी में मैं बता रहा हूँ आपको मैथ्स में अच्छे नंबर दिला के रहूंगा, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए एक बार पहले, थैंक यू सो मच।